हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ रवा इडली। इसके लिए आपको लगेंगे, मैंने लिए है क्योंकि मैं ज़्यादा बर्न कर रही हूँ, इसलिए मैंने लिए 4 कप सूजी, 1/2 कप दही, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड ऑयल जो मेरे को 2 चम्मच लगेंगे, और इनो। 4 कप सूजी में मैं दो इनो मतलब 2 चम्मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस सूजी में आप लोग फिर आपको मिलाते हैं। अगर आप लोग इसको रात में भिगो के रखते हैं तो आपका रवा इडली जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। मिक्स करते रहिए। दो चम्मच रिफाइंड ऑयल दूंगी मैं। नमक स्वाद अनुसार, अगर आपको इसको दिन में करना है तो 1/2 घंटे के लिए रवा को थोड़ा भिगोने दीजिएगा ताकि ये फूल जाए। फूल जाने के बाद फिर से आप लोग इसको पानी दीजिएगा। इसको मैं ऐसे ही 15 मिनट के लिए भिगो रख देती हूँ। बाद देखिएगा इसमें तीनों सोडा का काम करता है, इसीलिए इसमें इनो देने से ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। देखिए फूल गया है पूरा। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि इनो पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से। रात में इसको भिगो के रखिएगा तो ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा ये। इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। अब इसके स्टैंड में थोड़ा थोड़ा करके ये ऑयल लगा दीजिएगा ताकि ये अच्छे से निकल जाए, नहीं तो चिपक जाएगा। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, अब इसमें स्टैंड पर दे रही हूँ। Thank you.
मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देती हूँ। दस मिनट बाद आप देखिएगा कि इसकी बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको निकाल रही हूँ, देखिए व्यूअर्स मेरी इडली बनकर तैयार हो गई है। इडली देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है, देखिए कैसे। तो आप लोग इसको घर में ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है इसको कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।